भगवान ने अपने को पाने के लिए ही कृपा पूर्वक हमें कलयुग में जन्म दिया है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात है, कलिकाल में जीव कल्याण का पर्याप्त अवसर होने पर भी अपना कल्याण नहीं कर पाता। उसके कल्याण में बाधा क्या है? चार प्रकार के दोष कलयुगी मनुष्य का कल्याण नहीं होने देते हैं। ये चार प्रकार के दोष यदि हमारे जीवन में न रहें, फिर कल्याण में कोई संदेह नहीं, फिर कोई रुकावट नहीं। पहला दोष है, एक तो ये जीव अल्पायु है, हजारों वर्ष की उम्र नहीं है, 100 साल भी जीने वाले सब नहीं है। मान लो 100 वर्ष भी कोई जीने वाला हो तो 50 वर्ष रात्रि के तो काट दीजिए, आधा समय रात का चला गया, दिन दिन का गिना जाए तो कितना बचा? बीस वर्ष तो ऐसे ही बीत जाते, पता ही नहीं चलता कि हम मनुष्य हैं। प्रहलाद जी कहते, मुग्धस्य क्रीडतो याति विंशति, मोहित मनुष्य के 20 वर्ष तो खेलते खेलते बीत जाते हैं, पता नहीं चलता, उसके पास अवसर नहीं है। पुराने लोगों की आयु कितनी होती थी? 60,000 वर्ष शासन करते करते दशरथ जी को जब बीत गया, आयु नहीं, छत्र के नीचे बैठे बैठे 60,000 वर्ष बीत गया, तब एक दिन दशरथ जी दर्पण के आगे खड़े होकर के अपनी छवि को देख रहे थे। आज ध्यान से दर्पण देखा तो उनके दाहिने कान के पास एक बाल सफेद दिखाई पड़ा। श्रवण समीप भयउ सित केसा, कान के पास का एक बाल सफेद हो गया। दशरथ जी बोले, लगता है बुढ़ापे ने संकेत दे दिया है, बुढ़ापा आ गया है। तब वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया, अब तो कृपा करो संतान की प्राप्ति। तो वहां 60,000 साल के बाद एक बाल पका, तो यहां तो 8-9 बरस के बच्चों के बाल पक जाते हैं, जवान पैदा ही नहीं होते, बूढ़े ही पैदा होते हैं। तो कलयुग का एक दोष तो यह है कि कलयुगी प्राणी अल्पायु है। मान लो अल्पायु दोष न गिनाया जाए, क्योंकि वो तो स्वाभाविक बात है, तो सबसे भारी दोष कलयुगी मनुष्य का ये है, मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। पहला दोष है मंदा, कलयुग के मनुष्य मंद है, मंद का अर्थ है अलसाह, आलसी। इसलिए वेद में कहा गया, जो सो रहा है वो कलयुग है, जो जाग कर बैठ गया लेकिन अभी पूरी तरह तंद्रा दूर नहीं हुई है, जवाई ले रहा है, आलस में बैठा है, वो द्वापर है। और जो खड़ा हो गया क्रिया करने के लिए, संकल्प पूर्वक के अभी ये काम करना है, वो त्रेता है। और जो चल पड़ा, जो गतिमान है, वो सतयुग है।
सोता हुआ कलयुग है। तमोगुण जितने अंश में साधक में रहेगा उतना ही अधिक उसको भूख प्यास निद्रा आदि के विकार व्याप्त होंगे, और सात्विकता जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना अधिक उसका आहार और निद्रा उस पर विजय प्राप्त होती चली जाएगी। तो पहला दोष है साधक का, कलयुगी प्राणी का, आलस्य प्रमाद। प्रमाद ही मृत्यु है। महाभारत का एक सिद्धांत है, सनत सुजात नाम के ऋषि एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, मृत्यु है ही नहीं। क्योंकि आत्मा का संबंध स्वीकृत करते हुए मृत्यु का अस्तित्व संभव नहीं है। आत्मा उत्पन्न ही नहीं होता तो नष्ट क्या होगा, आत्मा की मृत्यु तो होती नहीं। तो आत्मचेतन के संबंध से तो मृत्यु संभव ही नहीं। अब रहा शरीर, तो शरीर जिंदा है कब? यदि शरीर को मृत्यु, शरीर की मृत्यु मान ली जाए तो मृत्यु के पश्चात शरीर सामने प्रस्तुत रहता है, वैसे ही हाथ पांव आंख नाक कान सब पूरा शरीर है। अब वजन कम नहीं, वजन और भले ही बढ़ जाएगा, घटेगा कुछ नहीं, मुर्दे का वजन बढ़ जाता है। चेतन आत्मा के संपर्क से यह अचेतन देह चेतन के जैसी क्रिया कर रहा है, तो शरीर जीवित है कब जो उसको जो मरा? भाई मरने के लिए पहले जीवित होना पड़ेगा ना, ये तो पहले से ही जड़ है, ये चेतन है कहां? फिर ये मर गया, ये व्यवहार कैसे होता है? बड़ा विस्तृत व्याख्यान है, हम तो बहुत संक्षिप्त में कह रहे हैं। तो महर्षि सनत सुजात कहते हैं कि तस्मात प्रमादो वही मृत्यु महम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद क्या है? भगवान की सतत स्मृति ही सावधानी है, और भगवान की विस्मृति ही प्रमाद है। भगवान को भूल जाना इससे बड़ा कोई दूसरा प्रमाद नहीं है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। और सब संसार के प्रपंच बनते हैं, भजन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। कौन कौन? विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। ये छोड़ दो तो भजन ही भजन है, फिर काहे को कोई बाधा नहीं भजन में। तो सबसे पहला दोष है भजन सत्संग सेवा साधन में प्रमाद, ये सबसे पहला दोष है। इस प्रमाद का हम त्याग कर दें तो कोई दोष हमारे जीवन में नहीं रह जाएगा, फिर भगवान की स्मृति में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन उल्टी बात है, भोजन में प्रमाद नहीं है, निद्रा में प्रमाद नहीं है, संसार के प्रपंच में प्रमाद नहीं है,
भजन साधन सत्संग के नाम पर हर बार प्रमाद है, ये पहला दोष। दूसरा दोष है सुमंद मतयः, सुमंद मतित्व, ये दूसरा दोष है। मति माने होता बुद्धि, और सुमंद मति, मंद मति माने पागल, मंद बुद्धि, जिसका दिमाग काम नहीं करता वो मंद मति पागल। और सु उपसर्ग और लग गया, सुमंद मति। सुमंद मति का अर्थ है तो बहुत चतुर चालाक, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान, बहुत बुद्धिमान, ब्रह्म ज्ञान से नीचे तो उतरता ही नहीं है, लेकिन काम बिल्कुल पागलपने के कर रहा है। जानबूझकर पागलपने का अभिनय करने वाले को सुमंद मति कहा जाता है, ये दूसरा दोष है। हम अपने ज्ञान से दूसरे को लाभ देना चाहते हैं, हम अपने ज्ञान से स्वयं लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। अरे भाई, जिस ज्ञान से हमें स्वयं को लाभ नहीं मिला, उससे दूसरे को क्या मिलेगा? हमारे ज्ञान से पहले हमें तो लाभ मिले, हमारे अज्ञान की, हमारी अविद्या की निवृत्ति हो, यह दूसरा दोष है। तीसरा दोष है दाऊ दादा कृपा करते हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं, तब किसी भगवत प्राप्त संत की सन्निधि प्राप्त होती है। बिना भगवान की कृपा के संत चरणाश्रय, सदगुरु चरणाश्रय प्राप्त नहीं होता। भगवान अतिशय द्रवित होते हैं तब जीवन में संत सदगुरुदेव का पदार्पण होता है, और ऐसे संत सदगुरु की सन्निधि लाभ प्राप्त करने के बाद भी हम अपनी वृत्ति शरीर संसार से हटाकर भगवान में नहीं लगा पाते हैं। हमारी वृत्ति फिर भी संसार में, शरीर में, भोगों में लगी रहती है। इसी का नाम है मंदभाग्या। हम बड़े मंद भाग्य, कमजोर भाग्य वाले हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष जीवन में मिले जो, अब हम क्या कहें, भगवान में और उनमें अंतर मिट गया, ऐसे संत मिले, ऐसे महापुरुष मिले जो अपनी कृपा से हमें श्री प्रिया प्रीतम का, युगल सरकार का, कृष्ण बलदेव का दर्शन करा सकते थे, ऐसे संत मिले। लेकिन उनकी चरण सन्निधि को प्राप्त करके भी हमने क्या पाया? यही है मंद भाग्या, ये तीसरा दोष है। बढ़िया भोजन मिल जाना, बढ़िया कपड़ा मिल जाना, भेंट विदाई मिल जाना, बढ़िया मठ मंदिर बन जाना, अच्छी घोड़ा गाड़ी मिल जाना, ये सत्पुरुषों की सन्निधि का फल नहीं है। सत्पुरुषों की सन्निधि का फल है शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाना और भगवत चरणारविंद में परिपूर्ण अनुराग हो जाना। संसार के पदार्थ बमन के जैसे लगे, इनको देखकर घृणा उत्पन्न हो, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता हृदय में जगे, ऐसा यदि होने लग जाए तो समझना सत्पुरुषों की सन्निधि का लाभ हमें मिल रहा है। पर यह इतना मंद भाग्य है, महापुरुषों की सन्निधि का लाभ भी नहीं ले पाता, ये तीसरा दोष है। और चौथा दोष है उपद्रवग्रस्त जीवन, व्यसन युक्त जीवन। ऐसे कुछ गलत अभ्यास, अशुभ अभ्यास, गलत आदतें हमारे जीवन में, देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों के कुसंग के कारण पड़ गई हैं कि हम उन दोषों का त्याग नहीं कर पाते। इसी को कहते हैं उपद्रवग्रस्त जीवन, व्यसन युक्त जीवन। एक केवल बीड़ी पीना, तमाकू खाना, गुटखा खाना, मद्य मांस का, ये यही व्यसन नहीं है। यदि
भगवत चर्चा में मन नहीं लगता, प्रपंच में ही मन लगता, तो ये भी एक व्यसन है। ये कारण है जीव का कल्याण नहीं हो पाता। पर हम एक प्रार्थना करें, इनमें सबसे पहला दोष ही मुख्य है, सेवा में प्रमाद, सत्संग में प्रमाद, भजन में प्रमाद, ये पहला दोष ही मुख्य है। ये दोष यदि साधक के जीवन में न रहे तो दूसरा तीसरा चौथा दोष अपने आप समाप्त हो जाए। हम निश्चय कर लें कि और किसी भी काम में प्रमाद हो जाए, पर हमें जो ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, सद्गुरु सेवा मिली है उसमें किसी भी प्रकार से प्रमाद संभव नहीं, उसमें हम प्रमाद नहीं करेंगे। हम भजन साधन सत्संग में प्रमाद नहीं करेंगे, ऐसा पक्का निश्चय कर ले तो संतों के संग संग का पूरा लाभ मिलने लग जाएगा, तो दूसरा दोष भी नहीं रहेगा मंद भाग्य वाला। फिर मंदमती वाला सुमंदमती वाला दोष भी नहीं रहेगा। फिर हमारे भीतर अपने विवेक का आदर करने की सामर्थ्य आ जाएगी और फिर जीवन में कोई व्यसन भी नहीं रहेगा। एक ही व्यसन रहेगा, आशा बसन व्यसन यह दिन रघुपति चरित होइ। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना हरि शरण नित्येवम् नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् न बाधते। श्री सनकादिक भगवान के जैसा नाम जप, नाम संकीर्तन, कथा कहने सुनने का व्यसन लग जाएगा और सारे व्यसनों से छुट्टी हो जाएगी। हे भगवान, इसलिए आप कृपा करके भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनावें, क्योंकि कोवा भगवतस्तस्य पुण्य